काफी नाराज है। देखो मैं वैसे ही से आई हूँ अभी यहाँ पे, मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है। मैं डेफिनेटली जब अंदर जाऊँगी तब सुनूंगी। एंड जितना कि मैं जानती हूँ स्पेशली अक्षत और करिश्मा को, आई वर्क विद देम एंड दे आर वेरी गुड। सो आई एम होपिंग कि गाना वैसे बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी मैं जब जाऊँगी तब फिर मैं बाद में अपना फीडबैक दूंगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है ऑफकोर्स, बट ऐसे एक अच्छा लगता है बिकॉज आपको एक रिलैक्स करने के लिए टाइम मिल जाता है, ऐसे कोई बुला ले तो अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत मीनिंगफुल गाने अच्छे लगते हैं। मुझे बस म्यूज़िक बीट्स एक पॉइंट पे कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, बट ऐसे कुछ गाने जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा ही डीप हो, जो ऐसे ऊपर से जाए, वो मुझे बड़े कमाल के लगते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर आई थिंक आना चाहिए बिकॉज मैं इनको पहले से जानती हूँ एंड आई नो दैट दे आर वेरी गुड। सो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह कभी बाद में ज़रूर आए ऐसा कोई गाना। आगे तो यार बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को, जब से लीप आया बिकॉज इट्स लाइक कि हमने शो एक तरह से रीलॉन्च किया है, तो कहानी एकदम नई है एंड अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बस सबको देखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ यार आई एम वेरी श्योर कि वो मुझे जानती भी नहीं होंगी, बट इट्स ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट। एंड एक्चुअली दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने टीवी को वो अपना अपनी ट्रॉफी उन्होंने डेडिकेट की है। आई थिंक बहुत अच्छा जेस्चर था ये करने का। मैंने ग्रैंड फिनाले पूरा तो नहीं देखा, बट मुझे ऑफकोर्स इतना पता चला कि वो जीती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला होगा तभी वो विनर बनी है। आपको अगर दोबारा एंट्री करेंगे या बुलाते नहीं एज ऑफ नाउ तो नहीं, क्यों बस नहीं पूरा सवाल जाना चाहेंगे आप, अगर नहीं का जवाब आपसे मांगे पता नहीं, मतलब मैं जब एक जगह जा चुकी हूँ, जब मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए नहीं है, तो जब आपको पता है कि आपके लिए नहीं है, आप अगर दोबारा वहाँ पे जाओगे तो वो फिर आप बेवकूफ़ हुए। जो खोया वो एक अलग बात है, आई थिंक आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, एंड जो पाया है वो आई थिंक आप लोग हैं, इतने सारे लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे देख के खुश हो जाते हैं, मेरे लिए मैंने वो पाया है, ये पहले कभी नहीं था। मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स निमृत है वहाँ पे, कश्मीर है वहाँ पे, जिन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बहुत पहले से, एंड आई थिंक निमृत इज़ डूइंग अ फैब जॉब एंड इवन कश्मीर इज़ डूइंग अ फैब जॉब। आई थिंक इन दोनों में से कोई, आई एम रूटिंग फॉर देम, इन दोनों में से कोई भी विनर बने मुझे हमेशा खुशी होगी। ऑफकोर्स निमृत से बात हुई है, ऑफकोर्स मुझे नहीं मैं नहीं दूँगी। अगर अगली बार ऐसा रहा कि मैं कोई शो नहीं कर रही हूँ, मैं खाली बैठी हूँ, तो मैं ज़रूर खतरों के खिलाड़ी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ यार। मुझे आई थिंक हाइट से, बस सिर्फ हाइट से डर नहीं लगता, घिन आती है बस डर से। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि काव्या में हम लोग इतना वक्त दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो मेरे पास कुछ और करने का वक्त नहीं है फिलहाल। अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है,
सो अभी तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं टीवी के अलावा कर रही हूँ, काव्य के अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट जल्दी शायद कुछ आएगा। कोई अभी फिलहाल तक कोई खुशखबरी नहीं है, अभी एकदम सेम चल रहा है। सबको ये कहूँगी कि आप सबने मुझे हर एक शो में हर एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा प्यार दिया है, एंड बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको एंटरटेन करूँ। सो या आई लव यू गाइस। आई थिंक मैं घर पे ही रहूँगी डेफिनेटली, बिकॉज हमारी भी छुट्टी होती है उस दिन, एंड जैसे हर इंसान की सोसाइटी में उनकी बिल्डिंग में नीचे फ्लैग होस्टिंग होती है, वहाँ पर जाएंगे ऑफकोर्स। सो या हमारा बड़ा ही काम एंड पीसफुल रहने वाला 15th August। आई गेस हाँ डेफिनेटली है। मैंने स्कूल में 15 अगस्त में बहुत परफॉर्म किया है, मैंने बहुत गाने कोरियोग्राफ भी किया। हाँ देश रंगीला ऑफकोर्स, दैट इज़ लाइक कि ये तो करना ही है कुछ भी हो जाए। सो वो किया है मैंने, कोरियोग्राफ किए हैं बहुत सारे परफॉर्मेंसेज 15 अगस्त के, जब मैं 9th में थी आई थिंक। हाँ यार किया है मैंने काफ़ी कुछ। नहीं नहीं ये सब मत कराओ, नहीं 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 ये नहीं करूँगा मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।